गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने 25वीं बार मक्का ट्रॉफी जीती है। तो इस दे नाल ही साढ़े नाल मौजूद ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू जी, जिन्हां नाल असीं गलबात करांगे। तो सब तो पहले सर, मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी इस ट्रॉफी के लिए, तो किस तरह का महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की गल है जी, 1100-1200 यूनिवर्सिटी नंबर वन यूनिवर्सिटी आवे, स्पोर्ट्स आवे, जो मेरा फील्ड है, बहुत खुशी का मौका जी, बहुत खुशी तक हो रही है। सर, जिस तरह इतने ट्रॉफी का स्वागत किया गया, देख के स्टूडेंट्स के बीच कितनी खुशी का माहौल? बहुत खुशी का माहौल है जी, मेहनत है उन्होंने, साल की मेहनत है, वह फल ही है जी, ट्रॉफी मिली है। मेरे कोचेस साढ़े जो स्पोर्ट्स परसन ने, स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो बंद ने, उन्होंने फील्ड स्टाफ की सब की मेहनत है, तो इतने पहुंचे हैं जी, सारे बहुत खुश ने, देखिए उन्होंने कितना खुशी ना लोग आए हैं अच्छ। तो सर, होर अगे की कहना चाहोगे, जिम्मे स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स के होर मतलब अपने आप को कामयाब किए करें? असी ऑलरेडी मंत्री ने दसिया जी कि इन्होंने जे खेडा वतन दियाँ जो शुरू कीतियाँ है, तो खेलो पंजाब का जो सिस्टम वो हिसाब न अंडर होर इनकरेज करेंगे, बड़ा फायदा रहा है, बच्चे फिजिकल एक्टिविटी एक्टिवेट करते हैं, काम पार्टिसपेट करते हैं, ना टॉप ऑफ इट जो ड्रग्स या माड़े कामों नहीं पैंते है। सो बहुत अच्छा है इस गल की। जिस तरह हर साल ट्रॉफी जीत के, मक्का ट्रॉफी जीत के इतने यूनिवर्सिटी के आती है, तो यूथ जोड़ा है वह नशे वाल घट जाता है उस हिसाब न, तो खेडा ज़्यादा ज़्यादा जाता जी, ज़्यादा जाता, शाम को आगे वेखो सारी ग्राउंड भरिया होंदिया ने, जेला वेला रहेगा आदमी कहीं पार्टिसपेट नहीं करेगा, फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ माड़े काम च पाएगा। सो इस करके फायदा बहुत है कि साड़ी इन्नी ज़्यादा दुनिया इतने पार्टिसपेट करती है, साढ़े ड्रग्स टैक्निकली ड्रग्स से यूनिवर्सिटी नहीं है। सर, हो स्टूडेंट्स ले की कहना चाहोगे? बस जी, खेडो तो पढ़ो, बस दो काम ही करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खुशी दी ते माण वाली गल है, मैं सारी यूनिवर्सिटी के जेडे सारे कोच साहबान, प्रोफेसर साहबान, खास तौर पर वीसी साहब न, मैं बहुत बधाई दिना कि 25वीं बार जी माका ट्रॉफी जीती है, एक बहुत वड्डी अचीवमेंट है। जे सारियां गल करिए तां पंजाब दी यूनिवर्सिटियां ने 50 तो वध बार जी माका ट्रॉफी जीती है, सो साडा बहुत गौरवमई इतिहास रहा है खेडां दे विच, ते उहदे विच खास तौर पर GNDU का बहुत वड्डा रहा है। तो जिहड़ियां रीसेंटली एशियन खेडां होईयां उहनां विच भी 16 खिडारी जिहड़े है मैडलिस्ट है, जिहड़े इस यूनिवर्सिटी के जिहड़े स्टूडेंट है, तो हुण भी 2 खिडारियां नूं अर्जुन अवार्ड लई जिहड़े नॉमीनेट होया। सो बड़ी खुशी वाली, माण वाली गल है, तो मैं बहुत वधाई दिंदा, तो उम्मीद करदा आउण वाले समें च भी इस तरह खेडां नूं लैके यूनिवर्सिटी जिहड़ी मल्लां मारदी रहूगी। वाइस चांसलर भी नाल गए ने डॉक्टर अपना कवर मनदीप सिंह ढिल्लों भी सीगे, सो किन्ना के योगदान मानते हो बच्चों का रहा इस दे विच? देखो सारिया का, ढिल्लों साहब का, वीसी साहब का, खास तौर पर जदों स्टाफ सारा यूनिवर्सिटी जिहड़ी फैकल्टी है सारी सपोर्टिव होवे, आपदे बच्चों का हौसला वधदा। तुसीं देखो भी जिहड़े प्रोफेसनल बच्चे इत्थे तैयारी करते हैं, उन्हां नूं डाइट, उन्हां दी फीस, सारा कुछ जिहड़ा मुफ्त जिहड़ा उह कीता जांदा है, जिहदे नाल बच्चों नूं हौसला मिलदा है, इक्विपमेंट भी, क्योंकि कई बच्चे होंगे जेडे इक्विपमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने सारे बच्चों इक्विपमेंट भी जेडे यूनिवर्सिटी जी प्रोवाइड जी है वह करवाई है, प्रोफेसनल इतने ट्रेनिंग दी जाती है। सो उदे नाल बाकी मेहनत जी बच्चों की है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जरा ठीक है यूनिवर्सिटी दे सकती है, पर बच्चों की बहुत वड्डी जी मेहनत है, उन्होंने डेडिकेशन है, जिद करके जी अचीवमेंट हासिल हुई है। आने वाले भविख्य बच्चों की सोचा जाएगा जॉब अपॉर्चुनिटी लैके? देखो वह असं पहला ही जिहड़ा अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी क्लीयर कर चुके हैं कि विदाउट एनी टैसट क्वालिफिकेशन ठीक है, उन्होंने समा देता जाऊगा, जो कोई ग्रैजुएट नहीं, जो कोई ग्रैजुएट है तो सीधी जी मैडल के आधार पर जिहड़ियां नौकरियां ने वो पंजाब सरकार ने जिहड़ा देने का फैसला किया स्पोर्ट्स ही बिल्कुल जिहड़ा ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੱਕਾ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰਾਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੀਥੇਅਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਨਿਊ ਪੋਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਧੂ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਪੰਜਾਬ TV ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।